गन्ना आयोग के समक्ष किसानों का जोरदार प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान महासभा की नीपत में कुशीनगर से आए गन्ना किसानों ने प्रदर्शन करते हुए गन्ना आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। मैं जीपीएस द्वारा गन्ने की पड़ताल की जगह खतौनी के आधार पर स्थल या भौतिक सत्यापन से गन्ना पर्ची जारी करने, बकाया गन्ना मूल्य का अविलंब ब्याज सहित भुगतान करने, सहकारी गन्ना समितियों का कंप्यूटर से पर्ची जारी करने, छोटे व बटाईदार किसानों का गन्ना पर्ची प्राथमिकता पर जारी करने, पेराई सत्र पूरा होने के साथ ही समस्त भुगतान सुनिश्चित करने, गन्ना सेंटर से मिल गेट तक बिचौलियों पर रोक लगाने, घटतौली पर रोक आदि मांगे थी। गन्ना संस्थान पर किसानों को संबोधित करते हुए अभा किसान महासभा के प्रदेश महासचिव ईश्वरी प्रसाद कुशवा ने कहा है कि मोदी योगी सरकार खेती का कारपोरेटीकरण कर रही है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद किसानों का अरबों रुपया अभी बकाया है। उन्होंने बिजनौर के गन्ना किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार किसानों के धैर्य को उनकी कमजोरी ना समझे। उन्होंने कहा है कि सरकार कृषि के बजट में लगातार कटौती कर रही है, ऐसे में किसानों की आमदनी को टूटा करने की बात एकदम छलावा है। उन्होंने कहा कि कृषि की उपेक्षा व किसानों की घटती क्रय शक्ति के कारण देश में मंदी है। उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार किसानों में नफरत व विभाजन पैदा कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार में बटाईदार किसानों में फसल खरीदने की नीति स्पष्ट करने की मांग भी की है। प्रदर्शन का नेतृत्व माकपा माले राज्य कमेटी सदस्य राधेश्याम मौर्य व कुशीनगर के जिला प्रभारी परमहंस सिंह ने किया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से टाइम 30 न्यूज के लिए कलीम इकबाल की रिपोर्ट।